हेलो दोस्तों, सरोज अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भतवा राइस कैसे बनाएं। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक भी जानेंगे, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। भतवे के चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भतवा लिया है। आपको इसे अच्छे से साफ कर लेना है, छोटी छोटी साइज में कट करना है। अगर आप बड़ी बड़ी साइज में कट करोगे तो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, इसलिए आपको ऐसे बिल्कुल छोटे छोटी साइज में इन्हें कट कर लेना है। ये चावल बनाने के लिए आपको हरी मिर्चें थोड़ी सी स्पाइसी लेनी है। अगर आपकी हरी मिर्चें स्पाइसी हो तो आपको 3 हरी मिर्चें लेना है और इन्हें ग्राइंड कर लेना है। चावल बनाने के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूज रहता है कि चावल कौन से ले। या तो आपको चावल लेने हैं बासमती या डबल चाबी चावल, इसी से खिले खिले बनते हैं। क्योंकि डबल चाबी चावल लोगे तो ये जो दाना दिख रहा है इसके ये डबल हो जाते हैं और लंबे लंबे खिले खिले अपने राइस दिखेंगे। फिर आप पुलाव बना रहे हो तो 1-2 घंटे पहले ही आपको चावल को पानी में भिगो देना है। इससे क्या है, ये जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। मैं बिना नमक डाले ही इन्हें बॉईल कर रही हूँ। इसके 2 बेनिफिट है, एक तो मीठे चावल भी बन जाएंगे और एक अपन पुलाव वगैरह बनाना चाहे वो भी बन जाते हैं। इतना पानी लेना है कि ये डूब जाए। अब इन्हें अपन बॉईल कर लेंगे। जैसे ही चावल अपने बॉईल होंगे इन्हें इनका अपन पानी निकाल देंगे। इनका पानी क्यों निकाल रहे हैं, इन्हें पानी में ही क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये ओवर कुक हो जाते हैं, फिर थोड़े से मैश से हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं रहेंगे, इसलिए आपको इसका पानी निकाल देना है। इस पानी से आप कपड़े वॉश कर सकते हो या और किसी बर्तन वगैरह वॉश करने में काम में ले सकते हो। गैस ऑन करके एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें 2 चम्मच घी की ऐड करेंगे। आप ऑयल भी ले सकते हो और लौंग काली मिर्च का पाउडर बनाकर और ये नीम के पत्ते मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ये फ्राई होंगे तब अपन इसमें ये हरी मिर्च वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। और हरी मिर्च का पेस्ट जैसे ही पकेगा इसमें ये अपन जो बथुआ कट किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच ये रेड चिली पाउडर। कुछ लोग क्या करते हैं कि बथुए को मिक्सी में पीस कर फिर ग्राइंड करके फिर ऐड करते हैं, लेकिन वैसे इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट सिंपल कटा हुआ डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसको पका लेंगे। नमक ऐड करेंगे और चावल ऐड करेंगे जब ये अपना मसाला पक जाएगा तब। और इतनी ही देर अब गैस को ऑन रखेंगे कि चावल मिक्स हो जाए। सारे चावलों में ये बथुआ मिक्स हो चुका है। अब अपन नीचे से गैस बंद कर देंगे। चावल डाल देने के बाद इन्हें ओवर कुक नहीं करना है अपन को, इसलिए अपन मिक्स करते ही बस बंद कर देंगे गैस को। और मैंने इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है और साथ में रखेंगे यहाँ पर कड़ी। कड़ी के साथ खाइएगा, प्याज की कड़ी, लहसुन की कड़ी, किसी भी कड़ी के साथ खाइएगा, मजा आ जाएगा आपको ये चावल खाकर। वेज पुलाव भी इसके सामने फेल है। मैंने बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के राइस बनाना बताया है। आई होप आपको आज की क्लास में ये बथुआ राइस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।